चलिए जी, तो आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के साथ आपसे। तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ शुभो प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। तो आपको एक बड़ा सा ट्रायल बैलेंस दे रखा है और ट्रायल बैलेंस के नीचे आपको क्या दे रखी हैं, एडजस्टमेंट। तो वो पहले तारे लगा लेते हैं हम। नंबर वन में लिखा है डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ऑफिस इक्विपमेंट एंड फर्नीचर एंड फिटिंग। तो यानी कि चार चीज़ों को डेप्रिशिएट करना है। तो ऑफिस इक्विपमेंट पर तारा, फर्नीचर एंड फिक्सचर पर तारा, प्लांट एंड मशीनरी पर तारा, और कौन सा था, लैंड एंड बिल्डिंग पर तारा। ठीक है। क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो किस पर तारा लगा लेते हैं, सन्ड्री डेटर्स पर तारा। उसके बाद इंश्योरेंस इंक्लूड्स 250 इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस। तो किस पर तारा लगा लेते हैं, इंश्योरेंस पर तारा। उसके बाद प्रोवाइड सैलरी टू शुभो 15,000 पर एनम, और उसी के नीचे नंबर 5 आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो दो दो पॉइंट सैलरी को लेकर हैं, तो किस पर तारा, सैलरी पर तारा। कहाँ है सैलरी, ये रही। उसके बाद जी 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। चलो, तो ये मैं आपको बाद में अलग से सिखाऊंगा, इसमें कोई तारा नहीं लगा सकते क्योंकि ये एक अलग पॉइंट होता है। चलो, तो इसको छोड़ देते हैं। तो आइए जी ऊपर से शुरू करेंगे, आइटम वाइज आइटम आप बताएंगे और फिर हम पोस्ट करेंगे। तो सबसे पहला आइटम है लैंड एंड बिल्डिंग, कहाँ करना है, एसेट साइड। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड आ जाओ, लिख लेते हैं लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 अंदर लिख लेते हैं। और इसकी एडजस्टमेंट है 6% आपको डेप्रिशिएट करना है। तो दो जगह कहाँ कहाँ लिखेंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो लैंड में से माइनस कर दो 3,000, और दूसरी जगह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर लिख दो। ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डेप्रिसिएशन 3,000। ठीक है जी। तो पहला आइटम भी हो गया और उसकी एडजस्टमेंट भी हो गई। उसके बाद अगला आइटम है परचेज और एडजस्टेड, मतलब इसको आप एडजस्टेड परचेज कह सकते हो। तो कौन बच्चा इसका फॉर्मूला सुनाएगा, हाँ इसका फॉर्मूला था ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है ना, ये होता है। तो अब हमको ये दे रखा है 2,07,500, तो इसको कहाँ पोस्ट करेंगे, डेबिट इन ट्रेडिंग अकाउंट, बिल्कुल सही। तो हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर पोस्ट कर देंगे और लिख देंगे टू एडजस्टेड परचेज 2,07,500। तो अब आपको ओपनिंग स्टॉक लिखना नहीं पड़ेगा क्योंकि वो इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड हो गया। चलो, अगला आइटम है जी स्टॉक 31 मार्च 2022, यानी कि ये आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। अब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है, तो ये तो याद है आपको, एक ही जगह जाएगा, कहाँ पे, एसेट साइड बैलेंस शीट, है ना। अब क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो एक ही जगह डालना है क्लोजिंग स्टॉक को, सिर्फ बैलेंस शीट में एसेट साइड। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पर लिख लो क्लोजिंग स्टॉक 45,000। उसके बाद अगला है जी आइटम वेजेस, कहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर 45,300। तो टू वेजेस
300। उसके बाद अगला आइटम है जी सैलरीज, डेबिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट 39,000, और तारा भी लगा हुआ है तो अंदर लिख लेते हैं पीएनएल में टू सैलरीज 39,000। अब जो तारा दे रखा है उस तारे का क्या रोल है, ये रही भाई एडजस्टमेंट नंबर 5, आउटस्टैंडिंग सैलरी 11,500। तो इसको कहाँ दो जगह लिखते हैं, ठीक है, एड इन रेस्पेक्टिव एक्सपेंस और लाइबिलिटी साइड इन बैलेंस शीट। तो पहले तो सैलरीज में जोड़ लो, आउटस्टैंडिंग सैलरी 11,500 और लाइबिलिटी में भी लिख लेते हैं बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सैलरी 11,500, ठीक है जी। फिर उसके बाद एक और सैलरी से रिलेटेड पॉइंट है नंबर 4, प्रोवाइड सैलरी टू शुभो 15,000 पर एनम। कह रहा है शुभो को 15,000 पर एनम की सैलरी दो, शुभो कौन है बताओ, वो कह रहा है एम्प्लॉयर। भाई शुभो कौन है, शुभो आप हो, मतलब आपका मतलब है इस सवाल का जो प्रोप्राइटर है वो कौन है, शुभो है, मालिक जो कह सकते हो आप। तो अब ये पॉइंट में आपको मालिक को सैलरी देनी है, वाह कितना चटपटा पॉइंट है, मतलब बिजनेस जो है वो मालिक को सैलरी देगा। तो वैसे ऐसा हो सकता है बताओ, क्या रिलायंस मुकेश अंबानी को सैलरी देती है? तो जितने आप होशियारी से मुंडी हिला रहे हो ना, तो इसका आंसर यस है, हाँ रिलायंस कंपनी जो है वो मुकेश अंबानी को सैलरी देती है, उसको डायरेक्टर सैलरी कहा जाता है, मुकेश अंबानी जी सैलरी लेते हैं रिलायंस कंपनी से। तो बिल्कुल उसी प्रकार ये जो प्रोप्राइटर होता है बिजनेस का, ये भी सैलरी ले सकता है, तो इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है, ये हो सकता है। और ट्वेल्थ में इनफैक्ट आपको सिखाया भी जाएगा कि ये होगा, इसको हम पार्टनर की सैलरी या प्रोप्राइटर की सैलरी बोलते हैं, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है जी। तो ये बात पहले आपको समझ आ गई, तो बिजनेस जो है वो शुभ को क्या देगा, सैलरी देगा। तो ये एक यूनिक और अच्छा नया पॉइंट आपको सीखने देखने को मिला है ना, तो इस पे स्टार लगा लेते हैं। तो अब इसको दो जगह कैसे रिकॉर्ड करेंगे बताइए, एक तो रिस्पेक्टिव जो सैलरी का एक्सपेंस है उसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि ये भी एक आउटस्टैंडिंग सैलरी की तरह ही बन गई बात, क्योंकि सैलरी देनी है हमें शुभ को, वेरी गुड। तो एक तो लिख ही लेते हैं, आ जाओ, तो रिस्पेक्टिव सैलरी में ऐड कर लेते हैं सैलरी टू शुभो, शुभो को सैलरी दे दो भाई 15,000 रुपये की, ठीक है जी। तो बाहर आ गया 65,500। तो एक जगह तो आपने सही बताया, अब दूसरी जगह कहाँ, लायबिलिटी बैलेंस शीट में बस नहीं लिखना, इसी बात का मुझे डर था, कैपिटल से माइनस नहीं करनी है सर, कैपिटल में ऐड करनी है, क्योंकि ये तो मालिक है ना, तो शुभो को जो सैलरी दी जाएगी वो उसकी कैपिटल में आप जोड़ दीजिए। तो हालांकि मैं रटने वाले बच्चों के लिए भी एक पॉइंट लिखवा देता हूँ यहाँ, हाँ सर वो लिखवा दो, हम उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो रटने वाले बच्चों के लिए ये है कि जो आप को ट्रीटमेंट सिखाया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, वो सेम होगा। तो थोड़ा सा रटने वाले बच्चों के लिए काम आसान कर लेते हैं, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो कॉन्सेप्ट था उसमें भी अगर आपको याद हो तो उसमें भी बिजनेस जो होता है वो मालिक को इंटरेस्ट देता है, तो इट इज़ जस्ट लाइक दैट ओनली कि मालिक को बिजनेस सैलरी दे रही है। तो आप रटने के लिए उस तरह भी रट सकते हैं कि जो ट्रीटमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का था वही इसका भी है। चलो ठीक है सर, तो सैलरी का खेल खत्म। अगला है जी ऑफिस एक्सपेंस, डेबिट इन पीएनएल, ठीक है दक्ष बाबू तुम्हें कब याद होंगे, सर जब मैं ट्वेल्थ में पहुंच जाऊंगा। टू ऑफिस एक्सपेंसेस 15,400,
उसके बाद नेक्स्ट है कैरिज इन वर्ड, हाँ डेबिट इन ट्रेडिंग अकाउंट 1200, तो टू कैरिज इन वर्ड ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता है 1200। उसके बाद सर कैरिज आउटवर्ड डेबिट इन पीएनएल, ये एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है 2000, तो टू कैरिज आउटवर्ड 2000। उसके बाद नेक्स्ट डिस्काउंट अलाउड 750 डेबिट इन पीएनएल, तो पीएनएल में टू डिस्काउंट अलाउड 750। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड 1200 क्रेडिट ऑफ पीएनएल, ये इनकम होती है तो इसको पीएनएल में क्रेडिट साइड पर लिख लेते हैं बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 1200। उसके बाद जी नेक्स्ट है बैड डेट्स, तो ये ओल्ड बैड डेट्स हैं है ना, तो इसका पूरा फॉर्मूला कौन बच्चा सुनाएगा? ठीक है, सही रट्टे मार रखे हैं, वेरी गुड। तो टू बैड डेट मतलब ओल्ड जो दे रखे हैं उन्हें अंदर लिख लो 1200, और इसमें क्या जोड़ेंगे हम प्लस, वो है नहीं तो छोड़ दो, और क्या जोड़ेंगे हम क्लोजिंग पीडीडी, वेरी गुड, जो थोड़ी देर में आएगा तब जोड़ लेंगे, ठीक है अभी ऐसे लिख के छोड़ दो। उसके बाद सर बैड डेट के बाद अगला आइटम सर सेल्स, तो सेल्स कहाँ पे क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट 383500 बाय सेल्स 383500। उसके बाद नेक्स्ट कैपिटल 1,15,000 बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में लिख लो अंदर 1,15,000। उसके बाद जी अगला आइटम ध्यान से पढ़ना है चैटर्जीज लोन अकाउंट, आपने चैटर्जी से लोन लिया है वो भी 1 अक्टूबर को, और लिखा है एट द रेट 18% पर एनम, तो इसका मतलब ये क्या है इम्प्लाइड एडजस्टमेंट, वेरी गुड। तो पहले तो ये लोन 25,000 का कहाँ लिखेंगे, लाइबिलिटी ऑफ बैलेंस शीट, वेरी गुड, तो लिख लेते हैं आ जाओ चैटर्जी लोन 25,000। अब वो इम्प्लाइड एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं आपसे पूछ के, क्योंकि आप होशियार बच्चे तो हो ही, तो बताओ कितना इंटरेस्ट पे करना चाहिए आपको लोन पर, निकालो 18% निकालो 18%, और 1 अक्टूबर को लोन लिया तो कितने महीने का निकालोगे 6/12, वेरी गुड, तो कितना इंटरेस्ट आएगा निकालो जी 2250 कह रहे हैं, जो मुझे सही लग रहा है शक्ल से, तो जो मुझे सही लग रहा है तो इसका मतलब सही ही होगा, तो 2250 इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा, तो ये तो आपने वैल्यू निकाल ली। अब इस इम्प्लाइड एडजस्टमेंट को बताइए जी दो जगह कहाँ कहाँ सिखाया है, एक तो डेबिट इन पीएनएल और दूसरा लाइबिलिटी इन बैलेंस शीट, क्योंकि ये इंटरेस्ट एक तरह से है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है ना, आपने पे नहीं करा, करना चाहिए था पर नहीं करा, तो इसको आप दो जगह लिख लो, एक तो पीएनएल अकाउंट में लिख लेते हैं टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 2250, और दूसरा इसको आप बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पर लिख लो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 2250।
चलो उसके बाद सर इंश्योरेंस कहाँ लिखना है? डेबिट ऑफ पीएनएल। तारा भी लगा है, तारे का पॉइंट भी पढ़ लेते हैं लगे हाथ। 250 प्रीमियम पेड इन एडवांस। तो पहले डेबिट इन पीएनएल में लिख लेते हैं टू इंश्योरेंस, अंदर लिख लेते हैं 1500। अब बताओ जो एडवांस में आपने पे करा प्रीपेड इंश्योरेंस, उसको दो जगह कहाँ लिखना है? माइनस इन रिस्पेक्टिव एक्सपेंस और एसेट इन बैलेंस शीट। वेरी गुड। तो इसमें से आप माइनस कर दो 250 पहले, तो ठीक है, तो माइनस इन रिस्पेक्टिव एक्सपेंस हो गया। और दूसरा इसको बैलेंस शीट में एसेट साइड पर लिख लो, प्रीपेड इंश्योरेंस 250। इसके बाद जी अगला कमीशन क्रेडिट साइड पर दिया है, तो क्रेडिट साइड इन पीएनएल, तो पीएनएल में क्रेडिट साइड पर लिख लो बाय कमीशन। इसका मतलब ये हमें रिसीव हुआ होगा 1500, 1500। उसके बाद अगला आइटम प्लांट एंड मशीनरी 50,000, और तारा भी लगा है, 10% डेप्रिशिएट करना है। तो प्लांट एंड मशीन 50,000 लिख लेते हैं अंदर, और माइनस कर लेते हैं 10% का डेप्रिसिएशन यानी 5,000। और इसको दूसरी जगह कहाँ लिखेंगे? पीएनएल के डेबिट साइड पर, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन आप पीएनएल के बच्चों डेबिट साइड पर लिख लीजिए, टू डेप्रिसिएशन, यहाँ ऊपर ही लिख लेता हूँ मैं, टू डेप्रिसिएशन 5,000। चलो उसके बाद अगला आइटम फर्नीचर एंड फिक्चर 20,000, इस पर तारा भी है, इसे डेप्रिशिएट करना है 15%। तो पहले बैलेंस शीट में लिख लेते हैं फर्नीचर 20,000 रुपये, और माइनस डेप्रिसिएशन, इसका बताओ 15% जल्दी से, 3,000। और डेप्रिसिएशन दूसरी जगह कहाँ लिखेंगे? डेबिट इन पीएनएल। तो पीएनएल में आप डेबिट साइड पर लिख लो, यहाँ लिख देता हूँ बीच में जहाँ जगह मिल रही है, टू डेप्रीसिएशन 3,000। ठीक है जी। उसके बाद अगला आइटम बिल्स रिसीवेबल कहाँ? एसेट साइड। तो इसको आप एसेट में लिख लो, यहाँ लिख लेते हैं बिल्स रिसीवेबल कितने रुपए है, 20,000। ठीक है। उसके बाद जी अगला आइटम है डेटर्स, और तारा भी है, एसेट इन बैलेंस शीट 40,000 का लिख लो बैलेंस शीट में, डेटर्स 40,000 अंदर लिख लेते हैं। और तारे में लिखा है क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 2% ऑन डेटर्स। तो डेटर्स का 2% कैलकुलेट करो भाई, 800 कह रहे हैं होशियार बच्चे। तो इस क्लोजिंग पीडीडी को दो जगह कहाँ कहाँ? एड इन रिस्पेक्टिव एक्सपेंस तो नहीं कहना चाहिए, एड इन बैड डेट्स कह देते हैं, ओल्ड बैड डेट में यहाँ जोड़ लो 800। तो अब वो बाहर आ जाएगा 2,000। और दूसरा क्लोजिंग पीडीडी को कहाँ? माइनस इन डेटर्स, डेटर्स में से माइनस कर लो क्लोजिंग पीडीडी 800, 39,200। ठीक है जी। क्या अगला आइटम सन्ड्री क्रेडिटर्स,
लाइबिलिटी, तो 25,000 लाइबिलिटी में लिख लो, क्रेडिटर्स। उसके बाद अगला आइटम कैश एट बैंक, एसेट 16,000, तो कैश एट बैंक 16,000। उसके बाद सर अगला आइटम ऑफिस इक्विपमेंट 12,000, एसेट इन बैलेंस शीट, तो ऑफिस इक्विपमेंट 12,000, और इस पे तारा भी लगा है, तो तारा क्या है सर, हमें क्या पता। तारे में लिखा है कि ऑफिस इक्विपमेंट को 20% डेप्रिशिएट कर दो, तो 20% निकालो, 20%, 2400 रुपये, 2400, तो बाहर आ गया 9600। और अब दूसरी जगह कहाँ लिखेंगे इसको, डेबिट इन पीएनएल, तो 2400 रुपये को डेबिट इन पीएनएल लिख लेते हैं, टू डेप्रीसिएशन 2400। तो यहाँ तक क्लियर है भाई सब बच्चों को? आयशक भाई ठीक लग रहा है, तबीयत ठीक है आज? ओके, अब अगले दो इकट्ठे आप बताओ, बिल्स पेबल और एक्सपेंस पेबल, ये दोनों क्या लाइबिलिटी, तो इन दोनों को आप लाइबिलिटी में लिख लीजिए। तो बिल्स पेबल और एक्सपेंस पेबल दोनों ही लाइबिलिटी होती हैं, है ना, तो दोनों को लाइबिलिटी में लिख लेते हैं। तो बिल्स पेबल 12,350 और एक्सपेंस पेबल 3,300। चलो, तो आइटम तो सारे खत्म हो गए सर, मजा आ गया। अब एडजस्टमेंट बताएंगे दक्ष भाई कि कोई हमने छोड़ी तो नहीं। ठीक है दक्ष भाई, तैयार हो? तो पहली वाली कर ली, बोलो हाँ। दूसरी वाली कर ली, हाँ। तीसरी वाली कर ली, हाँ। चौथी वाली कर ली, हाँ। पांचवी वाली कर ली, हाँ। बस कौन सी बच गई अब, एक सिक्स लास्ट। तो ये मैं सिखाऊंगा आपको, इसमें लिखा है जी 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। ओके, तो आपको पहले नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, इस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कह रहा है, उसको एक अलग से मटके में डाल दो। जनरल रिजर्व मतलब ऐसा समझ लो कि कभी कभी कुछ बिजनेस अपने कमाए हुए प्रॉफिट में से थोड़ा सा हिस्सा अलग कर देती हैं, रिटेन्ड अर्निंग। हाँ बिल्कुल सही। तो पहले लेकिन उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट। तो बस सवाल खत्म हो गया। चलो, तो नेट प्रॉफिट तो निकल जाएगा, लेकिन पहले क्या निकालेंगे हम, ग्रॉस प्रॉफिट। तो मैडम नशे में कह रही हैं कि वो सीक्रेट रिजर्व हुआ, तो ये कहाँ लिखा है वो सीक्रेट रिजर्व है, ये तो उसने नहीं, ये सीक्रेट रिजर्व नहीं है, ये तो प्रॉपर रिजर्व है, इसको तो अभी हम शो करेंगे, हमने छुपाया थोड़ी ना ये रिजर्व। सीक्रेट रिजर्व तो वो होते हैं जिसके बारे में क्वेश्चन में जिक्र ही नहीं हो, जो सीक्रेट हो। ये सीक्रेट कहाँ, इतना बड़ा बड़ा उसने माथे पर चिपका दिया कि भाई प्रॉफिट में से 10% रिजर्व में डालो, तो किस बात का सीक्रेट रह गया ये, है ना। तो सीक्रेट तो वो होता है जो दक्ष हमसे बातें छुपाता है, वो सीक्रेट है। तो ये तो बड़ी बड़ी बातें यहां लिखी हैं, ये सीक्रेट कहाँ है। चलो, तो कास्टिंग तो मैंने कर दी, मेरा तो आ रहा है टोटल 383,500। अब बैलेंस आप बताओगे माइनस करके, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। पक्का यही आ रहा है, कर ली इतनी जल्दी मैथ्स कैसे, इतनी जल्दी तो कैलकुलेटर भी नहीं कर सकता। 129,000। ओके, तो भाई इन पे भरोसा कर लिया जाए बच्चों पर, ठीक है, तो इन पे भरोसा कर लेते हैं। बाकी किताब का आप चेक करते रहना, क्योंकि किताब का सही है गलत है उससे हमें कोई फर्क नहीं पैंदा, सही है उनका, ठीक है। अब ग्रॉस प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, क्रेडिट साइड ऑफ पीएनएल बाय ग्रॉस प्रॉफिट 129,500। चलो, अब पीएनएल का क्रेडिट साइड का जोड़ के मैं बताऊंगा भाई, और डेबिट का आप बताएंगे, ठीक है। चलो,
तो मैं पहले अपना करूंगा, आप अपना करेंगे, फिर मुलाकात करते हैं। चलो, तो मेरा क्रेडिट का तो आ रहा है 132 200, 132 200, और मैंने सारे डेबिट वाले भी माइनस कर दिए आपके लिए क्योंकि आप परेशान हो रहे थे। तो मेरा पता है क्या बैलेंस बच रहा है माइनस करके, बताओ क्या बैलेंस बच रहा है। एक सेकेंड, नहीं मैं कर रहा हूँ। तो सारे डेबिट के माइनस करके मेरा जो बैलेंस बच रहा है, मतलब मेरा नेट प्रॉफिट मेरा बच रहा है 29,650, यही बच रहा है माइनस करके 29,650। ठीक है, तो इसको हम नेट प्रॉफिट बोलते हैं लेकिन अभी लिखेंगे नहीं। तो कितना बच रहा है नेट प्रॉफिट, 29,650। अब उस लास्ट पॉइंट का रोल आएगा, बड़े ध्यान से सुनना। अब जब मुझे पता चल गया कि मेरा नेट प्रॉफिट आ रहा है 29,650, है ना, और मैं कह रहा हूं कि इसका 10% जो है वो मैं एक अलग से रिजर्व में ट्रांसफर करना चाहता हूं, तो आप 29,650 का 10% निकालो, कितना हो जाएगा, 2,965 रुपये। ठीक है स्वेतलाना दीदी, अब देखो आप ध्यान से देखना। तो जो हम जनरल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करते हैं ना, उसको दो जगह देखो कहाँ कहाँ लिखते हैं। एक तो हम लिखेंगे पीएनएल के डेबिट साइड पर 2,965, तो लिख लो भाई सब बच्चे 2,965। ठीक है, कैसे निकाला वो मैं ब्रैकेट में दिखा रहा हूँ, नेट प्रॉफिट जो निकला उसका 10%। तो एक तो आपने यहाँ लिखना है पी एन एल अकाउंट के डेबिट साइड पर, और दूसरा कहाँ लिखेंगे, एसेट इन बैलेंस शीट, कह रही हैं देवी जी। तो देवी जी इसमें फिर ये भी डेबिट एस्पेक्ट हो गया, अब वो भी डेबिट ही हो गया, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो जनरल रिजर्व को दूसरी जगह लिखना है लायबिलिटी साइड पर। ओ माय गॉड, तो ये सर आपने बड़ा अच्छा नया पॉइंट सिखाया आज, 2,965। ठीक है जी, तो इस पे स्टार लगा लेते हैं। तो जनरल रिजर्व का ध्यान रखना है दो जगह कहाँ कहाँ। ठीक है, चलो तो ये भी हो गया। बस अब आप फाइनल नेट प्रॉफिट जो होगा बचा हुआ वो निकाल के यहाँ लिख लोगे, तो आपने 29,650 में से, 29,650 में से 2,965 रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, तो जो बच गया ना बस वो आपका अब फाइनल नेट प्रॉफिट है। तो वो बताओ कितना बचा, 26,685। तो उसको आप नेट प्रॉफिट लिख लो, अपना मेन आंसर 26,685। और ये नेट प्रॉफिट अब कहाँ चला जाएगा, कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो कैपिटल में ऐड कर लेते हैं, प्लस नेट प्रॉफिट 26,685, 26,685। तो कैपिटल बाहर आ गई 156,685। ये आ रही। चलो, तो अब पुरुष वर्ग वाले एसेट साइड जोड़ें, महिलाएं लाइबिलिटियां जोड़ें, फिर मुलाकात करते हैं थोड़ी देर के बाद। तो भाई एसेट साइड का आ रहा है 2,39,050 और लाइबिलिटी साइड का 1,050। तो इसका मतलब हमारा तो ठीक है, बाकी किताब का आप चेक कर लेना, क्योंकि किताब का ठीक हो गलत हो हमारी बला से। सही है किताब वालों का भी। चलो ठीक है, तो भाई समझ आ गया सबको खेल। ओके चलो, तो ये एक बड़ा क्वेश्चन आपने कर लिया मस्त तरीके से। अब एक और क्वेश्चन सर दिखाओ अगला। चले, तो अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, आइए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं, स्टार लगा लेते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस। उसके नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है, वो पढ़ लेते हैं। नंबर वन, वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च, तो इसका मतलब ये क्या है,
क्लोजिंग स्टॉक, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑन डेटर्स, तो डेटर पे तारा लगा लेते हैं। चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड मशीन 10%, तो फर्नीचर और मशीन पर तारा लगा लेते हैं। ये रहे, उसके बाद जी मशीन कॉस्टिंग 20,000 वॉज परचेज्ड ऑन 1 जनवरी, कह रहा है हमने मशीन को 20,000 की मशीन को 1 जनवरी वाले दिन खरीदा था, ठीक है। तो मशीन पे तारा ऑलरेडी लगा हुआ है, तो दो तारे लगा लें, क्योंकि मशीन की दो बातें कह रहा है, दो एडजस्टमेंट है, लगा लेते हैं सर। उसमें हमें क्या है, चार लगाओ आप, करना आपको है, चेपना हमें। अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो किस पे तारा लगाएं, कैपिटल पे लगा लेते हैं। उसके बाद सर नंबर 6, ए फायर अकर्ड ऑन 20 मार्च, तो दक्ष भाई आग लग गई गोदाम में 20 मार्च को। अब आगे पढ़ो, देखो स्टॉक ऑफ द वैल्यू 7,000 वॉज डिस्ट्रॉयड, तो आपका कितना सामान जल गया, 7,000 का सामान जल गया, लेकिन भगवान का आशीर्वाद है आपके ऊपर, इट वॉज फुली इंश्योर्ड एंड द इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम इन फुल, और आपको इंश्योरेंस कंपनी से पूरे ही पैसे मतलब मिल जाएंगे। चलो ठीक है, तो इस पे तारे लगाने की ज़रूरत नहीं, अलग से डील कर लेंगे जब आएगा। हालांकि किसी को पता है इस पे किस पे तारा लगता है? अरे वाह, मेरे साथ रह गए, स्मार्ट हो गए हो, परचेज पे, वेरी गुड, चलो बहुत ही बढ़िया, ये अच्छा आंसर करा। और लास्ट नंबर 7, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बी कैरिड टू जनरल, ये आपको भी सिखाया ही था। चलो तो करते हैं सबसे पहले शुरू, पहला आइटम है ड्राइंग्स, बताइए जी कहाँ लिखना है, लायबिलिटी में किस में से माइनस, कैपिटल में से माइनस कर लो ड्राइंग्स 10,000। चलो उसके बाद तो ये वाला फास्ट फास्ट करना है मेरे साथ, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट। अगला आइटम है मशीनरी, कहाँ लिखना है, एसेट साइड पे लिख लो मशीनरी 50,000। तो पहला तारा देखते हैं इसका, पहले तारे में तो था कि मशीन को डेप्रिशिएट करना है 10%, तो कितना आएगा 5,000, तो मशीन में से माइनस कर दो डेप्रिसिएशन 5,000। और दूसरी जगह कहाँ, डेबिट ऑफ PNL अकाउंट, तो टू डेप्रिसिएशन, ठीक है, मशीन का कितना 5,000, ठीक है। अब मशीन पे ही दूसरा तारा भी लगा हुआ था, दूसरे तारे में दे रखा था मशीन कॉस्टिंग 20,000 की हमने खरीदी है 1 जनवरी को, तो अब इसका क्या होगा सर, तो डेप्रिसिएशन लगेगा, तो वो तो लगाएंगे, लेकिन उसके लिए पहले इस 5,000 पे बक्सा बना के इसको काटिए, इस दूसरे तारे की वजह से आपका ये अमाउंट गलत हो गया, ये मुझे सिखाना था, तो इसको ब्लॉक बना के काटना ताकि आपको याद रहे, तो इस दूसरे तारे की वजह से आपका ये अमाउंट क्या हो गया जी, गलत हो गया, ठीक है सर। तो अब सर आप समझाओ क्यों गलत हो गया, तो मैं समझा देता हूँ आपको क्यों गलत हो गया। चलिए तो बड़े कान खोल के, दिमाग के ढक्कनों को खोल के सुनना है आपको, हमारा फाइनेंशियल ईयर कब शुरू हुआ, 1 अप्रैल 2021, और ये एंड कब हुआ, 31 मार्च 2022। तो आपके पास कुछ मशीनें हैं इस समय, और आपको उन मशीनों की वैल्यू दे रखी है 31 मार्च वाले दिन कितने रुपए, 50,000, है ना, ट्रायल बैलेंस में। अब अगर मैं आपको ये जानकारी दूं कि आपने एक मशीन खरीदी है 1 जनवरी को, और वो जो मशीन आपने 1 जनवरी को ख़रीदी है वो है
20,000 की मान लो ये जानकारी मैं आपको दूं, तो इससे आप बताइए कि क्या फर्क पड़ेगा। हाँ, वेरी गुड। तो इससे बिल्कुल सही कहा इन महोदय ने कि आप फिर इस वाली मशीन पर सिर्फ कितने माह का डेप्रिसिएशन लगाएंगे? 3 माह का। वेरी गुड। और जो बची हुई मशीनें होंगी, बची हुई कितने रुपए की बच गई? 30,000 की। उन पर तो आप पूरे साल का लगाएंगे। तो समझ गए अपनी गलती क्यों, इस पॉइंट की वजह से आपका वो 5,000 गलत हुआ, क्योंकि उसने सवाल ने ये पॉइंट ऐड कर रखा था। ठीक है दीदी, तो दोबारा सुने, आपने मशीन कब खरीदी? 1 जनवरी को। तो आप जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे इस मशीन पर, 20,000 वाली मशीन पर, तो पूरे 12 महीने का करोगे या सिर्फ 3 महीने का, जब तक इस्तेमाल करा तब का करोगे? 3 महीने का करोगे ना, तो बस यही बात याद रखनी है। ठीक है जी, चलो तो अब डेप्रिसिएशन निकालते हैं। सही, तो 20,000 का तो निकालिए 10% सिर्फ 3 महीने का। बताओ आइसक भाई कितना आएगा? वेरी गुड आइसक, 500 रुपये। और जो रिमेनिंग 30,000 की मशीन्स हैं उन पर तो आप डेप्रिसिएशन कितना निकालोगे, मतलब फुल पूरे साल का? 3,000। ओके, तो इसका मतलब आपका डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 3,500। तो ये वर्किंग आप छोटी सी कर लीजिए नीचे की तरफ, बैलेंस शीट के नीचे ऐसे ही, अपने समझने के लिए भी, और अगर टीचर को दिखाना पड़े कि भाई देखो ऐसे निकाला तो भी। तो बस आपको 3,500 वाली फिगर को अब लिखना पड़ेगा। ब्लॉक तो मैंने बनवाई दिया था, तो अब आप सही फिगर लिखेंगे, 3,500। तो ये बाहर आ गया 46,500। और इसी तरह P&L में भी डेबिट साइड में सही फिगर लिखेंगे, 3,500। तो बस इसमें ये खेल था, छोटा सा पॉइंट। चलो तो मशीन का काम तमाम। उसके बाद जी अगला आइटम, ओपनिंग स्टॉक, डेबिट इन ट्रेडिंग अकाउंट। चलो तो फटाफट लिखेंगे, अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लेना बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से, 25,000। अगला आइटम परचेजेस, डेबिट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, तो टू परचेजेस अंदर लिख लेते हैं, 90,000। तारा भी लगा है, तारा पढ़ते हैं। तारे में दिया था कि आपके गोदाम में आग लग गई और 7,000 के गुड्स जल गए, तो क्या करेंगे परचेज में से? माइनस। वेरी गुड, गुड्स लॉस्ट 7,000। और दूसरी जगह कहाँ लिखते हैं इनको? डेबिट इन P&L। वेरी गुड, अंदर की तरफ गुड्स लॉस्ट 7,000। और फिर आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा 7,000 का, उसको दो जगह कहाँ लिखेंगे? इसमें माइनस करेंगे और एसेट साइड में बैलेंस शीट में लिखेंगे। वेरी गुड, तो इसमें से आप माइनस कर दो इंश्योरेंस क्लेम 7,000, तो ये तो निल हो गया। और दूसरी जगह इंश्योरेंस क्लेम कहाँ लिखेंगे? एसेट साइड इन बैलेंस शीट, तो इसको नाम दे देते हैं इंश्योरेंस कंपनी 7,000। ठीक है ना, तो ये आपको ट्रीटमेंट में लिखवाया था जो आप भूल गए। चलो तो परचेज का भी ड्रामा खत्म। उसके बाद सेल्स रिटर्न, ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स में से माइनस कर देंगे, सेल्स रिटर्न 2,000, 2,000। उसके बाद अगला आइटम फर्नीचर 10,000, और तारे में लिखा है 10% डेप्रिशिएट करना है, तो फर्नीचर 10,000 का बताओ 10%।
थाउजेंड, तो डेप्रिसिएशन थाउजेंड माइनस कर दो। और दूसरी जगह डेप्रिसिएशन कहाँ लिख दें? डेबिट ऑफ पीएनएल, टू डेप्रिसिएशन थाउजेंड। उसके बाद जी अगला आइटम है कैरेज ट्रेडिंग, क्योंकि खाली कैरेज बोलेगा तो मतलब हम मानते हैं ये इनवर्ड है 2000। उसके बाद अगला रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, डेबिट ऑफ पीएनएल, तो रेंट एंड रेट्स 5000। उसके बाद नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑफिस एक्सपेंस, तो दोनों लिख देते हैं, तो प्रिंटिंग और ऑफिस एक्सपेंस दोनों डेबिट इन पीएनएल, तो टू प्रिंटिंग 1000, टू ऑफिस एक्सपेंस 1200। इसके बाद जी ओल्ड बैड डेट्स, डेबिट इन पीएनएल, तो टू बैड डेट्स ओल्ड वाले 1500 अंदर लिख लो, क्योंकि इसमें क्या प्लस करते हैं? न्यू बैड डेट है नहीं, तो और क्या प्लस करते हैं? क्लोजिंग पीडीडी, तो वो थोड़ी देर में आएगा तो कर लेंगे। उसके बाद सर डेटर्स आ गए जी 40,000 के, एसेट में लिख लेते हैं, और इस पे तारा भी लगा हुआ था, तो तारे में क्या लिखा है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाओ भाई 5%। 40,000 का 5% बताओ आइसक भाई फटाफट। वेरी गुड आइसक, 2000। तो 2000 को ओल्ड बैड डेट्स में ऐड कर लो। और दूसरा क्या? डेटर्स में से माइनस। ओल्ड पीडीडी भी है? ओके, हाँ ओल्ड पीडीडी भी है, तो फिर माइनस कर देंगे, अभी पहले ये लिख देता हूँ। ओके, तो अभी उस आंसर को फिर बाहर नहीं निकालते, एक बार पीएनएल पे आते हैं, तो अभी फ़िलहाल इस आंसर को बाहर नहीं लिखते, क्योंकि आयुष भाई ने हमें बताया कि थोड़ी देर बाद एक ओपनिंग पीडीडी भी आएगा, तो ओपनिंग पीडीडी जब आएगा तो माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ओपनिंग पीडीडी के लिए जगह स्थान रिक्त छोड़ देते हैं अभी। ओके, चलो अगला आइटम है जी बिल्स रिसीवेबल, एसेट इन बैलेंस शीट। आइए जी, तो बिल्स रिसीवेबल 7000। फिर अगला आइटम है डिस्काउंट, डेबिट इन पीएनएल 1000, तो पीएनएल में डेबिट लिख लेते हैं, टू डिस्काउंट 1000। उसके बाद वेजेस एंड सैलरीज, डेबिट इन ट्रेडिंग अकाउंट, वेरी गुड, क्योंकि वेजेस पहले दे रखा है 5000। उसके बाद कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ठीक है, तो इन दोनों को एसेट में लिख लेते हैं, 6 और 32, तो कैश इन हैंड 6 और कैश एट बैंक 32। उसके बाद कैपिटल 1 लाख, बैलेंस शीट लाइबिलिटी में लिख लो 1 लाख। उसके बाद जी परचेज रिटर्न, माइनस फ्रॉम परचेज, और कैपिटल विद तारा भी है, तो पहले माइनस फ्रॉम परचेज कर लेते हैं, फिर तारे को कर लेंगे,
तो परचेज में से पहले परचेज रिटर्न माइनस कर देते हैं 1,000 रुपये। और फिर मोक्ष बाबू ने कहा कि सर कैपिटल में तारा भी है, तो वो तारा क्या कह रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5%। तो निकालो 1 लाख का 5%, 5,000। तो बताओ दो जगह कहाँ कहाँ? हाँ, तो पीएनएल के तो डेबिट साइड पर लिख लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000, और दूसरा एड इन कैपिटल, कैपिटल में जोड़ लेते हैं, प्लस इंटरेस्ट 5,000। उसके बाद सर बस अंतिम सांसें ले रहा है सवाल, ये रहा पीडीडी। ये कौन सा पीडीडी होता है? ओपनिंग पीडीडी 2,000। तो इसके लिए जगह हमारे आयुष भाई ने पहले ही बनवाई दी, तो धन्य है वो। तो ओपनिंग पीडीडी 2,000 यहाँ पे अब माइनस कर दीजिए, अब फाइनल आंसर बाहर लिख सकते हैं 1,500। ओके, उसके बाद बस अब तो सांसें आखिरी बच रही हैं। क्रेडिटर्स और बीपी दोनों लायबिलिटी, तो क्रेडिटर्स और बीपी दोनों को बैलेंस शीट में लायबिलिटी में लिख लेते हैं। क्रेडिटर्स 33,000 और बीपी 7,700, तो दोनों लायबिलिटी हो गए। फिर उसके बाद सेल्स, क्रेडिट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट 128, बाहर आ गया 126। और लास्ट आइटम, खत्म हो गया खेल, जनरल रिजर्व कहाँ? लाइबिलिटी इन बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में आप लाइबिलिटी में लिख लीजिए जनरल रिजर्व, अंदर लिख लेना क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट भी थी 20,000। चलो तो ट्रायल बैलेंस आइटम सारे ओवर। तो बताओ दक्ष भाई चेक करके, अब क्या हमने सारी एडजस्टमेंट कर ली? नंबर वन, क्या हमने क्लोजिंग स्टॉक लिख लिया? बताओ, नहीं लिखा तो अभी लिखो फिर। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर बाय क्लोजिंग स्टॉक, और दूसरा एसेट इन लाइबिलिटी, एसेट इन बैलेंस शीट। क्या क्या कहते हो तुम लोग? क्लोजिंग स्टॉक 40। चलो उसके बाद दक्ष भाई सेकंड एडजस्टमेंट कर ली? कर ली। थर्ड एडजस्टमेंट कर ली? कर ली। फोर्थ एडजस्टमेंट कर ली? कर ली। फाइव एडजस्टमेंट कर ली? कर ली। सिक्स एडजस्टमेंट कर ली? कर ली। सेवेंथ एडजस्टमेंट कर ली? नहीं करी। सेवेंथ एडजस्टमेंट तो अभी करेंगे ना थोड़ी देर में, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल लेजर। ये अब इसके लिए नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। चलो तो ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड का मैं बताऊंगा 166, और डेबिट का आप बताओगे, और बैलेंस फिर जो बचेगा वो दक्ष बताएगा कि क्या आ रहा है। बताइए जी, 134 कितना आ रहा है? तो 1,14,000 आ रहा है डेबिट साइड का टोटल। यही आ रहा है सबका? ये यार ठीक है, तो माइनस करके क्या बचेगा? 52,000। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट ओके। तो भाई आप पे भरोसा करके लिख रहा हूँ मैं। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर कर दें? क्रेडिट ऑफ पीएनएल बाय ग्रॉस प्रॉफिट 52। तो अब क्रेडिट साइड का मैं बताऊंगा पीएनएल अकाउंट का, डेबिट साइड का आप करेंगे। तो क्रेडिट साइड का मेरा तो आ रहा है 52। अब डेबिट साइड का आपको करना है, और माइनस करके सीधा नेट प्रॉफिट ही बता देना कि क्या बचेगा।
तो ये मैंने कर लिया बच्चों, मेरा तो नेट प्रॉफिट बच रहा है 32,800, 32,800 बचेगा नेट प्रॉफिट, ठीक है, सारे मैंने माइनस करके निकाल लिया, तो नेट प्रॉफिट बच रहा है 32,800। अब इस नेट प्रॉफिट के 10% को कहाँ ट्रांसफर करना है, कहाँ ट्रांसफर करना है जी, जर्नलिज्म, वही पिछले सवाल की तरह, तो इसको आप लिख लो टू जनरल रिजर्व, तो 10% निकालो कितना आएगा, 3,280, तो ये तो एक जगह लिख लिया आपने, दूसरी जगह ऐड इन जनरल रिजर्व, ये रहा जनरल रिजर्व, तो इसमें ऐड कर दो ट्रांसफर 3,280, तो ये बन गया 23,280, तो दोनों जगह जनरल रिजर्व आ गया। अब आप अपने नेट प्रॉफिट का फाइनल आंसर निकालिए, 32,800 में से 3,280 रिजर्व में डालने के बाद कितना बचेगा, तो ये आपका नेट प्रॉफिट होगा, बताओ कितना बचा, 29,520 आ रहा है मेरा, तो इसको कह दो टू नेट प्रॉफिट, 29,520। अब इस नेट प्रॉफिट को कहाँ ले चलें, कैपिटल में, एंड नेट प्रॉफिट 29,520, तो बताओ कैपिटल बाहर कितनी आएगी, 124,520। चलो अब एसेट्स का जोड़ें पुरुष वर्ग, लायबिलिटियां महिलाएं, फिर मिलते हैं। हाँ तो बच्चों एक छोटा सा सवाल में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट दे रखा है आपके, तो वो उसे प्लीज़ करेक्ट कर लीजिए, वो उसमें मतलब गलती आपकी नहीं है, जो टोटल मैच नहीं हो रहा, जो यहाँ पर इन्होंने क्रेडिट बैलेंसेज में आइटम्स दे रखे हैं ना, तो जो उसमें क्रेडिटर्स की वैल्यू दे रखी है वो 30,000 है, वो 33 जो लिखा है ना उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, वो 33 नहीं है, वो मिसप्रिंटिंग है किताब में, वो वैल्यू 30,000 है, 30,000, 30,000 है ना, क्योंकि अगर आप इनके डेबिट बैलेंसेस को जोड़ेंगे और क्रेडिट बैलेंसेस को अगर जोड़ेंगे तो अब सेम है, पहले वो गलत था, मिसप्रिंटिंग थी किताब में, तो आप क्रेडिटर्स की वैल्यू को 30 ले लेंगे, तो क्रेडिटर्स की वैल्यू 30 कर लो, 33 की बजाय 30, तो अब कितना आ रहा है लायबिलिटी का भी, 185,500, और एसेट साइड का 185,500, ठीक है, तो क्लियर होगी कहानी, चलो परफेक्ट।